अरे बहू मुझे वो देना। क्या मम्मी जी? अरे वही जो कल मैंने तेरे को दिया था। अरे मम्मी क्या दिया था? अरे वही जो कल उसमें डाल कर दिया था ना मैंने तेरे को। अरे मम्मी क्या दिया था उसमें डाल कर दिया था? अरे बहू तो बिल्कुल ही वो हो गई है, तेरे को याद ही नहीं रहता। अरे मम्मी जी क्या हो गई, वो क्या नहीं रहता मुझे। चलो छोड़ो मैं खुद ही देख लूंगी। पर वो था क्या जो मम्मी जी बोल रही थी? बहू मैं सोच रही हूँ घर के कुछ चीजें ओएलएक्स पे भेज देती हूँ। सही है मम्मी जी। तू ही बता कोई चीज है जो यूज ना हो रही हो बेटा? बैगन। मम्मी जी मेरी जुबान। मम्मी जी आप ही बता दो आपके सामने कहाँ चल पाती है, एकदम अनयूज है। बहू। जी मम्मी जी। तुझे पता है एक सास की क्या इच्छा होती है? बताओ। कि उसकी बहू सुंदर हो, सील हो, घर का सारा काम काज करती रहे, आए गए की इज्जत करे और सास के पैर दबाए। गलत बात। और मम्मी जी आपको पता है एक बहू की क्या इच्छा होती है? बताओ। बता। कि बस सांस ही ना हो। मम्मी जी इतने टेंशन में क्यों बैठे हो? पैसे दो, टेंशन को दूर भगाओ। बताओ। ये ले पकड़ 100 रुपए और इतनी दूर भैया मुझे नजर मत आना। बहू शादी से पहले तो तुम मेरी बहुत बड़ाई करती थी, मेरी बहुत तारीफ करती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? क्या बात कर रहे हो बाबा? मम्मी जी प्रचार तो चुनाव से पहले किया जाता है। चुनाव के बाद आपने किसी को प्रचार करते हुए देखा है क्या? है? दुनिया वाले चांद पर पहुंच गए हैं और एक मेरा दूल्हा है अपने ससुराल तक नहीं पहुंच पा रहा है, निकम्मा कहीं का। उसी के चक्कर में मैं भी नहीं जा पा रही हूँ। साले कुत्ते के पिल्ले कहाँ है तू? तब से यहाँ खड़े खड़े तेरा वेट कर रही हूँ मैं। बेटा कुत्ते का पिल्ला भी नहाने गया, मैं उसका बाप बन गया। सॉरी कुत्ते मतलब सॉरी होने वाले ससुर जी। A few moments later. साले कुत्ते के पिल्ले सुअर कहाँ था तू? तेरे बाप ने फोन उठाया था अभी और मैंने उसे सुना दिया। बेटा कुत्ते का पिल्ला भी नहीं रहा, मैं कुत्ता मतलब उसका बाप बाप ही बात कर रहा हूँ। अरे मैं क्या सोच रही थी, अपने पुराने कपड़े गरीबों में दान दे दूँ क्या? एक काम कर फेंक दे इनको, क्या दान करना किसी को? क्यों दुनिया में इतनी गरीब औरतें हैं, भूखी प्यासी औरतें हैं, उनके काम ही आ जाएंगे ना। तेरे साइज के कपड़े जिन औरतों को आएंगे तो लगता है भूखी प्यासी होंगी वो। अब पूछो मुझसे सवाल, मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ। और हाँ अगर मैं जीती तो वो जो कल बाजार में 10,000 वाला सूट देखा था वो दिलवाओगे मुझे? मेरे पास कोई सवाल नहीं है पूछने के लिए। तुम्हारे पास सारे सवाल होते हैं, पूछो पूछो। ना ना मैं नहीं पूछ रहा। डर गए? डर गए ना, डर गए तुम आज। पूछो पूछो। सपोज कर तू दिल्ली के एयरपोर्ट पे है। क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ ठीक है, रुको सोचने दो पहले। तू दिल्ली के एयरपोर्ट पे है? ठीक है। दिल्ली के एयरपोर्ट से फ्लाइट को मुंबई जाने में 90 मिनट लगते हैं। ठीक है। दिल्ली से फ्लाइट को मुंबई जाने में सिर्फ 90 मिनट लगते हैं, लेकिन जब वो वापसी आती है दिल्ली तो उसको 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा, बता क्यों? गुड क्वेश्चन। कोहरा होगा, मौसम खराब होगा, आराम आराम से चल रही होगी फ्लाइट। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाथ। घुटनों में दिमाग है, घुटनों में दिमाग है। वो साइकिल पे आएगा कपड़े बेचने वाला, उससे ले लेना 250 वाले 3 सूट। तेरे बस की नहीं है 10,000 का सूट, 250 के 3 ले लेना।